I'm here in East Delhi, which is right next to the Lakshmi Nagar metro station, and I'm standing right in front of the Forward Press office. As you can see, looking at us is Mahatma Jyotirao Phule. Let's see what's inside the office and let's speak to some of the members who run this place. Come on in. This is the editor of, the managing editor of Forward Press, Mr. Pramod Ranjan. Pramod ji, bahut bahut shukriya humse baat karne ke liye. Hum janna chahte the ki aapka ye jo press hai, ye aap keh rahe the pehle ek magazine hua karta tha, par baad mein aap logon ne online kiya. To aap kuch batayenge is journey ke bare mein? पत्रिका और कंटेंट के माध्यम से हम दोनों क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं. हमारा इरादा यह है कि बहुजनों को दो तरह की चीज़ों की आवश्यकता है, जिसकी बहुत कमी है हिंदी पट्टी में या पूरे भारत में ही कहें. एक तो है समसामयिक चीज़ों का विश्लेषण, यानी अभी कोई घटना हुई उसको बहुजन हितों के एंगल से, कोण से हम कैसे देखें, और दूसरा है सैद्धांतिकरण कैसे करें. तो जो वेबसाइट है उसमें हम समसामयिक चीज़ों को लेने की कोशिश करते हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं. जो किताबों के माध्यम से जो दूरगामी महत्व की चीज़ें हैं, जो सैद्धांतिकरण हैं, उनको हम प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं. पर अगर आप मुझे थोड़ा सा कॉन्क्रीट एग्जांपल्स देखिए, जैसे ये किताब मेरे सामने रखा हुआ है महिषासुर के ऊपर, ये दलित पैंथर का एक जीवी पवार का इतिहास जो आपने अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो एक तो ये लाइक व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाई बहुजन कल्चर जब आप ये बोल रहे हैं, तो ये अगर कोई स्पेसिफिक किताब के ऊपर आपने क्या? हाँ, जब जो किताब आपके सामने है, महिषासुर एक जननायक और महिषासुर मिथक व परंपराएं, ये दोनों पुस्तकें एक सीरीज में है, दोनों उसी की बात करते हैं जिस बहुजन संस्कृति का सवाल आपने किया है. हम दुर्गा की पूजा करते हैं भारत में लोग, और बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजा मनाई जाती है, लेकिन यहाँ महिषासुर की परंपरा भी है, असुर परंपराएं भी, आदिवासी परंपराएं भी, और बहुत दूर नहीं है, ऐसा नहीं है किसी कोने में, इसी मध्य भारत में. बिल्कुल, गोंड आदिवासी समुदाय इस मध्य भारत में रहता है, उनकी पूरी पूरी परंपरा है. वो मोह मेघनाथ की पूजा करते हैं, वो महिषासुर की पूजा करते हैं, महिषासुर को अपना नायक मानते हैं, पुरखा मानते हैं. हम उनसे अवेयर नहीं हैं. तो हमारी कोशिश यह है कि इन दोनों संस्कृतियों को एक दूसरे के करीब लाया जाए, दोनों में समन्वय बने और दोनों एक दूसरे को समझें. मैं देख सकता हूँ आपके पूरे ऑफिस में बहुत सारा ज्योतिराव फुले, फिर अंबेडकर, इन सब फिगर्स का जो आइकॉनोग्राफी है वो बहुत ही स्पेसिफिक है इस पूरे ऑफिस में. तो क्या महत्व रखता है आपके और आपके स्टाफ के लिए ये जो फिगर्स है? आप कुछ और आइडेंटिटी, एक और इतिहास भारत का आप इन फिगर्स में देखते हैं? हाँ, निश्चित रूप से एक मुख्य धारा का जो इतिहास है, जो बहुजन इतिहास है, वो इन आइकॉन्स के आसपास ही बनता है. और हम जो फॉरवर्ड प्रेस है वो अपने आप को फूले अम्बेडकरवादी पत्रिका कहती है. हम फूले और अम्बेडकर के रास्ते पर चलते हैं, और हम ये मानते हैं कि इस देश का जो इतिहास है वो इन नायकों से या इस परंपरा से बनता है. फूले से आप और पहले जाएं, कबीर, कबीर से और पहले जाएं, बुद्ध से पहले लोकायतों की एक पूरी परंपरा है. हम इस पूरी परंपरा को देखते हैं और उस अनुसार उनका अनुसरण करने की कोशिश करते हैं. आप ये बताएंगे मुझे कि ये बाइलिंगुअल जाने का कारण क्या था? क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि आप हर एक आर्टिकल का लगभग कोशिश करते हैं एक अंग्रेजी अनुवाद हो, अगर अंग्रेजी में है तो उसका हिंदी अनुवाद निकलता है, तो इसमें बहुत, मुझे पता है, बहुत सारा टाइम भी जाता होगा, काफ़ी कष्टदार काम है, तो आप कैसे करते हो ये? ये पत्रिका के शुरू से ही ये चीज़ भी स्पष्ट थी कि हम बाइलिंगुअल पत्रिका निकालेंगे, हमारी विशिष्टता होगी, क्योंकि इस देश में इतना बड़ा देश है और हिंदी पट्टी हमारा कोर जरूर है, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरे क्षेत्रों के जो आंदोलन हैं वो इनसे जुड़ें, और हम हिंदी पट्टी के लोग दूसरे लोगों से जुड़ें, और ये बहुत बड़ी गैप है भाषा को लेकर, हम उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, करते रहे और सफल भी हुए. फिर अंग्रेजी भाषा भी एक माध्यम है जो आदमी को विश्व दृष्टिकोण देती है, दलित बहुजनों के लिए बहुत ही आवश्यक. हमारी परंपरा में हमारे कई लोगों ने इसको शेरनी का दूध कहते हैं, जैसे शिक्षा शेरनी का दूध है, तो अंग्रेजी भाषा की शिक्षा उसी तरह शेरनी का दूध है, जिसको पी करके मनुष्य शक्तिशाली हो सकता है. तो हम हिंदी पट्टी के दलित बहुजनों को अंग्रेजी सिखाना भी चाहते थे. अच्छा. और हमें बहुत, जब तक पत्रिका हमारी निकलती थी और अभी भी बहुत सारे पत्र आते थे कि हम आपकी पत्रिका को पढ़ के अंग्रेजी सीख रहे हैं. अच्छा. ये दो कारण थे, आंदोलनों को नज़दीक लाना और हिंदी भाषी बहुजनों को अंग्रेजी की ओर प्रेरित करना.
पिछले महीने काफ़ी हमने अंबेडकर को फिर से एक आइकॉनोग्राफी में देखा है, जहाँ पे हमारा जो सरकार है अभी वो भी अंबेडकर को एक तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे, उनका जन्मदिन वगैरह। तो आप इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, जहाँ पे अंबेडकर लगता है कि जो लोग आइडियोलॉजिकली उनसे बिल्कुल ही मान्य नहीं रखते हैं, बट पर फिर भी वो लोग भी अंबेडकर को एक तरीके से अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस पूरे विषय को कैसे देखते हैं? दरअसल कुछ लोग हैं, कुछ शक्तियां हैं, अंबेडकर का इस्तेमाल अपने पक्ष में करना चाहती हैं और वो समाज में फूट पैदा करना चाहती हैं। अंबेडकर एक ऐसे आइकॉन के रूप में उभरे पिछले वर्षों में, जिन्होंने दलित बहुजनों के बीच एकता पैदा की। अब एक ऐसी सत्ता सरकार में है जो अंबेडकर के विचारों के पूरी तरह विरोधी रही है, वो उनका नाम ले रही है। वो चाहती है कि इस तबके में फूट पैदा की जाए, इस तबके को की एकता को नष्ट कर दिया जाए। वो सिर्फ अंबेडकर का ही नाम नहीं ले रहे हैं, अंबेडकर का नाम लेकर के आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो आरक्षण है, जिसने एक भौतिक रूप से बहुत नज़दीक लाया है इन तबकों को, इसमें फूट पैदा करेंगे, इसको बांटेंगे हक देने के नाम पर, और एक बड़ी फूट पैदा करने की कोशिश करेंगे। इसका प्रतिकार हम लोग भी कर रहे हैं और मैं समझता हूँ बड़े पैमाने पर इसका प्रतिकार करने की आवश्यकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एंड सिटिंग राइट बिहाइंड दिस डोर इज एक्चुअली सिद्धार्थ, हु इज वेटिंग फॉर मी हियर पेशेंटली फॉर सम टाइम। सिद्धार्थ जी, आप हिंदी संपादक हैं इस पॉडकास्ट का, तो जरूरी सवाल पूछा। हमें दो चुनौतियों से एक साथ जूझना पड़ता है जब हम इसमें काम कर रहे होते हैं। एक तरफ तो हमको एक जन पक्षधर, बहुजन पक्षधर, महिला पक्षधर, अल्पसंख्यक पक्षधर, जो वंचित तबके हैं उनके पक्षधर कंटेंट अंतर्वस्त्र को विकसित करना, और ये साथ ही साथ हमको इसमें ये भी करना होता है कि जो मुहावरे अपर कास्ट के हैं वो कैसे मुहावरे बहुजन के मुहावरे बन जाएं और उन शब्दावली में भी कैसे अभिव्यक्त, तो इस पर काम करें। एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे कि जितनी लेख हमारे पास जितने आते हैं, तो जब अपर कास्ट नायकों की चर्चा होती है, मान लीजिए विष्णु की चर्चा हो रही है, महाबली और बामन की चर्चा हो रही है, मान लीजिए किसी प्रसंग में कि महाबली को बामन ने क्या किया, यहाँ तक कि कई बार बहुजन लेखकों द्वारा भी आए हुए जिसमें लेख होते हैं, तो विष्णु के लिए आप का शब्द इस्तेमाल होगा, राम के लिए तो आपका शब्द इस्तेमाल होगा, सीता के लिए तो आपका शब्द इस्तेमाल होगा, यानी जितने अपर कास्ट के नायक हैं उनके लिए आपका शब्द इस्तेमाल होगा। लेकिन ज्यों ही नेहरू के लिए आपका शब्द इस्तेमाल होगा, गांधी के लिए आपका शब्द इस्तेमाल होगा, लेकिन ज्यों ही आप इधर आएंगे कि जो अनार्य परंपरा के नायक हैं, मान लीजिए महाबली की ये चर्चा हो रही है, हम तो मानते हैं कि महिषासुर भी हमारी परंपरा के ही नायक है, जैसे महिषासुर का प्रसंग है, तो ये भाषा क्या हो जाएगी उनके लिए, तुम पर आ जाएगी। यानी भाषा में ही, मुहावरे में ही ये नीत है कि उनके नायकों को प्रतिष्ठा सूचक शब्द, और जो बहुजन परंपरा के, श्रवण परंपरा के नायक हैं उनके लिए क्या है, एक अपमानजनक शब्द। हमें हमेशा लगातार सतर्क रहना पड़ता है कि इसको भी हम देखें। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। लेट्स नाउ गो एंड टॉक टू द पर्सन हु लुक्स एट द ट्रांसलेशंस एज वेल एज ओरिजिनल आर्टिकल्स इन इंग्लिश। कैन यू जस्ट टेल मी कि यू आर वर्किंग हियर ऑफ कोर्स विद पीपल हु are quite well in one language, but as your editor was telling me, your managing editor was telling me that English, it was supposed to be a bilingual magazine right from the beginning. And so thinking towards that, and also focusing on the fact that Ambedkar wrote so many of his articles in English and had a very intimate relationship with the language, how do you feel working here where you straddle both the languages, Hindi as well as English? Just to make things clear at the beginning, I'm the editor, but there is another translator who is not with us at the moment in the office. He works from Bhopal. So he's the one who does the actual translations. I help out with the translation here and there, but I mostly do the editing and the copy editing and make sure that the Hindi, it's an accurate translation, basically. And it's obviously a challenge because so many things, as you know, are lost in translation, even the nuances, you know. So we have to constantly be in touch with the writers who have written it in the original authors, and also my colleagues here, to make sure that it's an accurate translation.
There's a personal question for you. I mean, I'm sure it would have been much easier for you to find a job in some other news organization. Why did you choose to stay here and work here? I've had a career in the mainstream media. I spent about a decade in the mainstream media, and then I landed up here. While I wasn't here working full time, I've been associated with Forward Press since 2009. There have been a few breaks in between, but I think the mission of Forward Press is what attracted me. The fact that, you know, we are such a broken society. We don't acknowledge it, but we are a very casteist society. We are broken in terms of languages, and I find it very meaningful, you know, to connect these different worlds, and especially even if you look at the English media now, they've gradually come to acknowledge the Dalit world, but then they've missed out this whole, you know, the OBC community in between. We only hear about castes when during election time, about, you know, who are they going to vote for, but castes, you know, affect, you know, societies at so many different levels. Thank you very much for talking to us. बताएंगे कि आप पहले कौन से मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में काम किए थे और यहाँ पे काम करना कैसे अलग आपको लगा, अगर आपको लगता है ये अलग जगह है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बहुत लंबा मैं टाइम दिया हूँ अपने नौकरी जीवन का। इससे पहले मैं बहुत सारे अखबारों में काम किया, बहुत कम दिन तक, और जैसे कि देश बंधु के ब्यूरो का कार्यालय में काम किया था नोएडा में, शाह टाइम्स में, और फिर नया इंडिया में काम किया, आज समाज में काम किया, और भी गुलिस्ता करके था एक। क्या आपको क्या लगता है कि क्या खासियत है इस जगह का कि आप यहाँ पे इतने सालों तक, इतने समय तक काम किया यहाँ पे? लोकतांत्रिक चीज़ें हैं यहाँ पर, सभी लोग बहुत मिलनसार हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, कोई भी किसी के साथ भेद नहीं किया जाता है, किसी कर्मचारी के साथ किसी भी भाव में, बोलने से लेकर के किसी भी तरह के बर्ताव में, हर चीज़ में एक समान भाव रहता है, सपोर्टिंग भाव रहता है। तो इसलिए अन्य जगह इस तरह से होता है, वहाँ भी थोड़ा बहुत जगह होता है, लेकिन इस तरह से नहीं रहता है। ख़ासतौर से जो इसके हेड हैं उनका भी एक बहुत अच्छा भाव रहते हैं भाई यहाँ पर सभी के लोगों के प्रति, जबकि दूसरे जगह ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर जो मेन हेड होते हैं वो लोग शायद अन्य वर्कर से पार्टिकुलर मिल नहीं पाते हैं, जो वहाँ पर मेन पद पे बैठे होते हैं उन लोगों का भी बर्ताव बहुत अलग अलग होता है। तो इसलिए यहाँ के बारे में, यहाँ बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से का है, मतलब यहाँ की व्यवस्था, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा समय तक टिक पाया हूँ, अभी तक काम कर रहा हूँ इसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और हम चाहेंगे कि अगर हम 3-4 साल बाद फिर से इस ऑफिस में आपको यहीं पे इस दफ्तर पे देखें। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, सो वी आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉर्नर, विच इज टी। सर आपका नाम क्या है? चंद्रिका प्रसाद। सर आप बताएंगे कितना चाय पीते हैं यहाँ पे लोग दिन में? यहाँ पे 3-4 बार चाय पीते हैं। और कैसे आप बनाते रहते हो चाय? हाँ बनाते रहते हैं, जब जब मांगते हैं तो बना के देते हैं। तो अगर मैं अभी आपसे मांगू, आप मुझे एक कप पिलाएंगे प्लीज? हाँ। सो आई एम गोइंग टू हैव माई टी, दिस इज़ आवर फर्स्ट ऑफरिंग, एंड मेक श्योर दैट यू लाइक सब्सक्राइब and follow this particular series. Meanwhile, I'm going to have this tea that sir has made for us. Thanks for watching.